हेलो फ्रेंड्स, मेहरा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई अभी मैं हूँ सेक्टर 19 में केसरी स्वीट पे, और भाई इनसे चल के बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ स्पेशल है, क्या क्या इनकी चीज़ भाई सबसे ज़्यादा बिकती है। तो भाई अभी हम भी ट्राई करेंगे कि जो जो इनकी स्पेशल होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी डिटेल इनकी वीडियो में तक बने रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ दुकान का बोर्ड आप देख सकते हो, सेक्टर 19D शॉप, जो अपना SCO नंबर है वो है 46। तो भाई ऐसी कुछ शॉप है, इसके फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई इनके पास क्या क्या आइटम्स मिलती हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो इमरती रखी हुई है, लाल लाल बिल्कुल रसीली एकदम, इनको देख के ना मुँह में पानी आ रहा है। और साथ ही भाई रखे हुए समोसे, और यहाँ पे ये ब्रेड पकौड़े अंकल जी, ये हैं ब्रेड पकौड़े। और ये क्या अंकल जी? चीज़ फिंगर। अच्छा, मस्त लग रही है भाई ये भी एकदम। यह है भाई गर्मा गर्म कचौरी, ये है भाई समोसे, ये मिनी समोसे लग रहा है मुझे, पनीर पकोड़े, नॉर्मल पकोड़े और कचौरी और स्प्रिंग रोल। तो अंकल जी कैसे हो? बढ़िया है जी, बढ़िया, आप सुनाओ। क्या नाम है आपका? लाटी सिंह। मेहरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि भाई आपकी शॉप कितनी पुरानी है? हमारी शॉप लगभग है 35-40 साल पुरानी है। 35-40 साल पुरानी? हाँ जी। अच्छा, और क्या क्या फेमस है आपके यहाँ का, क्या सबसे ज़्यादा बिकता है? हमारे यहाँ पराठे, चना भटूरा, नूडल्स, पनीर पकौड़े, स्प्रिंग रोल, स्नैक्स की आइटमें सारी। अच्छा, तो आज क्या टेस्ट कराओगे? आज आपको हम नूडल टेस्ट कराएंगे। नूडल टेस्ट कराओगे? वेज नूडल्स। और क्या प्राइसिंग रहती है उसकी? 100 रुपये की फुल प्लेट है, 40 रुपये की हाफ प्लेट। तो ठीक है, फिर एक प्लेट नूडल बनवा दीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहोगे सब्सक्राइबर्स को? जी हमारा ये जो क्वान्टिटी और क्वालिटी है, ये हमारी नूडल की, अपनी तरफ से हम पूरी बढ़िया देने की कोशिश करते हैं कस्टमर को, ताकि कस्टमर एक बार खाए और दोबारा हमारे पास आए। जो ठीक है, फिर नूडल बनवा दीजिए, फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी भाई नूडल की जो हमारी मेकिंग है वो स्टार्ट करते हैं। रोहित भाई नूडल खाएगा पहले? भाई पहले नूडल ही खाते हैं। चलो भाई नूडल की तैयारी देखते हैं कि क्या क्या डलने वाली है। तो भाई यहाँ पे बनने वाली है नूडल, तेल डाल दिया भाई कढ़ाई में। रोहित भाई भूख कैसी लग रही है पहले ही बता। भाई भूख तो बहुत जोर की लग रही है मेरे को। जोर की लग रही है? तो ये आगे भाई इसमें सब्जियां, इसमें भाई जैसा कि मैं देख सकता हूँ शिमला मिर्च, प्याज, गाजर है, बंद गोभी शायद अभी आएगी। भाई क्या नाम है आपका? अमरजीत। तो ये भाई जो इसकी खुशबू आ रही है ना सब्जियां भुनने की, कसम से बहुत ज्यादा मस्त लग रही है ये। तो भाई ये आ गई है पत्ता गोभी, तो ये भाई हमारे भाई निकाल रहे हैं नूडल। तो ये आ गई भाई इसमें नूडल। नमक है भाई ये? तो भाई अभी इसमें आ गया है नमक, अजीनोमोटो। ये भी भाई इसका भी काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये आ गई भाई इसमें लाल मिर्च, ये आ गई भाई इसमें सोया सॉस, विनेगर। इनकी ना भाई ये जो नूडल है, मैंने सुना है कि भाई दिन की कम से कम, मैं दोबारा कंफर्म कर लूँगा, शायद 50 से ज़्यादा प्लेट्स इनकी बिक जाती हैं नूडल्स की। और ये आ गया भाई इसमें पनीर, भाई इनकी कलाकारी देखो जरा। देखा भाई कैसे घुमा दिया पलटा इन्होंने।
होगी भाई तैयार? तो भाई नूडल अपनी हो चुकी है एकदम रेडी, अभी जाएगी प्लेट में। तो भाई नूडल अपनी जलने जा रही है प्लेट में, अभी तक तो भाई एकदम मस्त लग रही है। ये लो भाई। तो भाई यहाँ पर आ चुकी है अपनी नूडल, देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रही है ये। और दूसरी खास बात ये कि भाई 50 रुपीज़ की ना हाफ प्लेट है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी है इनकी। और भाई टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा, अभी तक करेंगे हम, फिर आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट जो है कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स आज रोहित की खास इच्छा थी कि आज मैं पहले टेस्ट करूँ, तो फटाफट से इसको भाई देखते हैं। ये देखो भाई, ये भाई हमने लिया, साथ में मैं पनीर भी लूँगा भाई। और भाई इसको करके ना ऐसे रोल, जो हमारी परंपरा कहते हैं जिसे, और इसके बाद भाई भाई बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था ना, बिल्कुल वैसा पूरी जो हमारी नूडल एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरी उतरी है। तो भाई मैं एक इसकी बाइट और लेता हूँ, क्योंकि भाई कोई भी ना दो राय नहीं रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मस्त नूडल है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। और दूसरी खास बात ये भाई, ये नूडल है ना वो मेरा फेवरेट फास्ट फूड है, और ये वाली नूडल खा के ना भाई मैं और अब कहीं पर भी नहीं जाने वाला। तो अभी रोहित को भी टेस्ट कराते हैं और उसका भी रिव्यू लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बारी आ गई है रोहित की नूडल टेस्ट करने की। रोहित भाई शुरू हो जा। करते शुरू भाई। भाई नूडल काफ़ी अच्छी देखने में, नूडल में एक स्पेशल मेरे को अच्छी बात ये लगी कि नूडल में पनीर है। वैसे आमतौर नूडल में पनीर वगैरह होता नहीं है, इन्होंने पनीर भी डाल रखा 50 रुपीज़ के अंडर वो भी। टेस्ट करके देखते हैं। सही है भैया, जैसा कि विशाल भैया ने बताया नूडल काफ़ी अच्छी है, उन्होंने मतलब और भी नूडल खाई है, यहाँ की नूडल उनकी फेवरेट हो चुकी है। मेरे को भी खाने के बाद मेरे को लगता है कि मेरी नूडल, यहाँ की नूडल मेरी फेवरेट हो जाएगी। तो भाई अब अभी नूडल को हम करते हैं फिनिश, अभी मिलते हैं आपसे हम तो आगे। नर्वस हो गया दोबारा। तो भाई रोहित हो चुका है नर्वस, अभी हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं नूडल खत्म करने के बाद। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो को कैसी लगी है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर नीचे रेड कलर बटन दबा के। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।